हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है डिहाइड्रेशन। मतलब अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी सही मात्रा में नहीं ले रही हैं, तो आपकी यूरिन का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हो सकता है बहुत डार्क पीला हो जाए या फिर हल्का पीला भी हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि तुरंत ही आपको एक दिन में 10 से 12 ग्लास के बीच में पानी पीना है, और उसके बाद में आप दूसरे दिन जब यूरिन पास करने जाती हैं, तो अगर आपको कलर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और कभी कभी कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि महिलाएं बिल्कुल सही मात्रा में पानी पीती हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ही डार्क पीला रहता है। तो इसका एक कारण हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम भी होता है, और इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ही गंभीर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, एंड उसके बाद में मतली होना, एंड उसके बाद में आपका वजन कम हो रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और ये प्रेगनेंसी में 1% महिलाओं के साथ ज्यादातर ऐसा होता है। और इसके अलावा एक रीजन, आपके अगर लीवर में प्रॉब्लम है तब भी आपका यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज हो सकता है। और दूसरा रीजन होता है, वो होता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपकी यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं जो यूरिन का कलर होता है वो बहुत ही गाढ़ा पीला हो जाता है, एंड आपको बार बार यूरिन होना, उसके बाद में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती ना करें। अगर आपको ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड उसके बाद में आपके बच्चे का वजन भी कम होगा और वो अच्छे से नहीं गेन होगा। तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें एंड इसका प्रॉपर इलाज जरूर करवाएं। और इसके अलावा अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, जिसको हेमाटुरिया भी बोला जाता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में जो जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, तो उनको कम करने की आवश्यकता होती है जो यूरिन के रास्ते से बाहर निकलती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी यूरिन का कलर गाढ़ा पीला और लाल दिखाई दे सकता है। तो इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और एक इसका रीजन जो है, ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो यूटीआई का ही एक प्रकार होता है। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से जो ब्लैडर की ऊपर की परत होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से भी आपकी यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इस स्थिति में भी आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पथरी की शिकायत है, तो इस स्थिति में भी आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज हो सकता है, और साथ ही में आपको अधिक दर्द एंड मतली और उल्टी की भी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। और इसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो डाइट चेंज होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, तो इस वजह से भी आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड इसके अलावा आपको जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन और सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो जो विटामिन और सप्लीमेंट होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाते हैं, तो वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, जिस वजह से भी आपकी यूरिन का कलर बिल्कुल चेंज हो सकता है। एंड इसके अलावा अगर आप हाल ही में प्रेग्नेंट हुई और आपको नहीं पता है, तो प्रेगनेंसी का एक साइन होता है यूरिन का कलर चेंज हो जाना। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का कलर चेंज होता है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, एंड आपको अपने तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, एंड उसके बाद में आप अपना यूरिन चेकअप जरूर कराएं, जिससे आपको ये क्लियर हो कि आखिर आपका जो यूरिन का कलर है वो किस वजह से चेंज हुआ है। और ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप डॉक्टर से संपर्क करेंगी, एंड उसके बाद में पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पिए। अगर आपको यूरिन पास करते समय जलन होती है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, खुजली होती है, दाने होते हैं, किसी भी तरीके का कोई साइन आपको नजर आता है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए आप बिल्कुल सही समय पे डॉक्टर से इलाज करवाएं, ताकि आप अपने आप को और बच्चे दोनों को बिल्कुल सुरक्षित पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रख सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।